जो कि एक इंडोर अम्यूजमेंट पार्क है और वहाँ पर बहुत सारे राइड्स, ट्रैम्पोलिन्स और गेम्स है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे आज बहुत मजा आएगा। आपको क्या लग रहा है जेनी? कुछ तो बोल दो जेनी। बोलना तो है। क्या? यस यस। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी जेनी? लेट्स गो। So, आज हम आए हैं नीदरलैंड के इंडोर प्ले कैफे किंडरस्टैड में। जैसे ही बच्चे यहाँ पर एंटर हुए, उनका पहला रिएक्शन था वाव। नॉर्मली इंडोर प्ले कैफेज बहुत छोटे होते हैं या इतना कुछ नहीं होता, बट ये बहुत बड़ा था, जिसमें बहुत सारे ट्रैम्पोलिन्स, गेम्स, राइड्स, बहुत कुछ था। एक्चुअली हम यहाँ पर आज इनवाइटेड हैं, हम यहाँ पर दो प्रिंसेसेस का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। और अभी मैं ये सारे मोमेंट्स कैप्चर ही कर रही थी, मैंने देखा जेनी और स्मायरा फटाफट अपने शूज और सॉक्स उतार कर जंपिंग करना शुरू भी हो गए। यार ये सारे बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं ना, काश हम भी बच्चे होते। पर हमारे टाइम में कहाँ इतने अच्छे अच्छे ट्रैम्पोलिन्स थे, इनको देखकर ही बहुत मज़ा आ रहा था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. So, ये है हमारी दो एंजल्स जिनका आज हम बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। वैसे यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करना इजी नहीं है, आपको पता है। ये दोनों आ ही नहीं रही थी केक कटिंग के लिए, ये सारे बच्चे इंजॉय कर रहे थे। बड़ी जबरदस्ती हम बच्चों को पकड़ कर लाए और केक कट किया, और फिर हम लोगों ने कुछ फोटोज क्लिक किया और बच्चे तो भाग गए राइड्स लेने। सच में यार यहाँ पर बहुत अच्छी राइड्स थी, कुछ राइड्स तो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई हूँ। और ये देखो यहाँ पर तो इंडोर में एक रोलर कोस्टर भी है। मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी इंडोर प्ले कैफे में ये रोलर कोस्टर देखा है। आप लोगों ने कभी इंडोर में रोलर कोस्टर को इंजॉय किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम सब ने बहुत इंजॉय किया। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैम्पोलिन इस पार्क का ये वाला था। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि ये एक टेंट है, ये एक ट्रैम्पोलिन है जिसको हमने बिना किसी सपोर्ट के इतनी हाइट में ऊपर जाना था और ऊपर से हमने स्लाइड लेकर नीचे आना था। और स्मायरा ने बहुत ट्राई किया बट फर्स्ट टाइम में स्मायरा से ये नहीं हो पाया। और काफ़ी ट्राई करने के बाद स्मायरा ने अपना गोल अचीव किया और वो पहुंच गई। अब वो इस स्लाइड से नीचे आएगी। यूहू। और अब बच्चों के साथ साथ आई हम मॉमीज की बारी। हम मॉमीज पीछे क्यों रहेंगे, हम लोगों ने भी सारी राइड्स एंजॉय की। ये ट्रैम्पोलिन याद है ना आपको, जिसे देखकर हमने सोचा था काश हम भी बच्चे होते। फिर हमने सोचा बचपना तो वापस आना नहीं है, क्यों ना हम ही इसे इंजॉय कर ले। इंजॉय करने की कोई एज थोड़ी होती है। सच में बताऊं ये इतना इजी नहीं था जितना ये दिख रहा था। हमें ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगे और जब हम ऊपर चढ़ गए तो ऐसा लगा कि हमने तो कोई जंग ही जीत लियो, पर सच में इसे ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सो फ्रेंड्स, हमें तो आज बहुत मज़ा आया और आई होप आपने भी हमारे साथ बहुत इंजॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। बाय।